के प्रमुख अनिल पासवान जी औचक निरीक्षण में पहुंचे आंगनवाड़ी केंद्र की। आइए देखते हैं आंगनवाड़ी केंद्र में क्या कुछ मिलता है इन्हें, क्योंकि इन्हें शिकायत मिली थी कि आंगनवाड़ी केंद्र में काफी परेशानियां हो रही हैं, काफी कुछ चल रहा है। आइए देखते हैं। कैसे बच्चों, आप लोग ठीक हो? नाश्ता हो गया? क्या किए नाश्ते में? वाह वाह, केला खा लिए? चलिए ठीक है, उसके बाद पढ़ रहे हैं? ठीक है। यह है सनहौला का गोविंदपुर केंद्र संख्या 12। ये जो लेडीज खड़ी है ये कौन है? आप क्या करते हैं यहाँ पर? रोजे रहते हैं यहाँ पे? डेट नहीं डालता है ना, सिर्फ जुलाई डेट यही है। ये है डेट, ये है। तो ये अटेंडेंस है 6 8 7 8 8 8, क्या है? कितना दिन ये बच्चा प्रेजेंट हुआ है महीने में? 9 तारीख तक में ये आज इसका 8वां हाजिरी, ऐसा ही कुछ शायद, यही है ना मैडम? हाँ। चालीस बच्चे हैं आपके यहाँ? तस्वीर कितना है? कितना है? 26। अटेंडेंस 40 का है, 26 उपस्थित है। दिल्ली का वही अटेंडेंस है, 40-40 है। इसी दिन 26-40 उपस्थित दिखा रहा है। आज 40x40 है। हाँ, 26 है यहाँ पर उपस्थित। आप 40 के साथ हैं? तो आप अभी हमारे सामने में लिख रहे थे तो हम देखे ना, वैसे 40x40 हाजिरी लगा ली। एक फाइल वो भी निकाल कर होती महिला को जो बांटते हैं, वितरण करते हैं। गर्भवती महिला को देते हैं ना वो पोसा? हाँ, वो वाला डायरी होगा ना, कौन महीने में कितना दिए, कौन महीने में। सीटीपीओ मैम कभी नहीं आते हैं इंजेक्शन में, सिर्फ सुपरवाइजर आती है। तो कोई आप लोग से सही में ये जो कोई पैसा वैसा भी लेती है आप लोगों से?
तो ये लोग नहीं बता सकती है, ये लोग बताएंगे इसके ऊपर कार्रवाई सी डी पी ओ करेगी, सुपरवाइजर कार्रवाई करेगी। ये लोग अपना कहे ना जो है रोजी रोटी अपना चला रही कर रही है, ये सब जो है नहीं बताया कि जो है चार सात को जो घूमी है हर एक केंद्र ये वसूली के लिए, और हर एक जगह से पता लगता है, ऐसा बात कोई बात छिपा हुआ नहीं है, वसूली लोगों का जोर शोर से हो रहा है प्रखंड के अंदर। और देखते हैं महिला वगैरह को जो पोषण आहार दिया जाता है, दाल चावल फल फ्रूट अंडा वगैरह नहीं है। अभी आपके वार्ड में कुल कितने गर्भवती महिला है यहाँ पे? इस महीने का पोषण आहार बांट दिए पिछले महीने? पिछले महीने तो होगा ना, इसके तुम लोग चुप रहो। क्या मतलब रजिस्टर खत्म हो गया था? पेज खत्म हो गया। उसका कुछ इसमें लिखते हैं ना कि इतना पेज यहाँ से खत्म हो गया। अच्छा गर्भवती महिला के लिए क्या क्या आपके पास उपलब्ध होता है राशन? ये सब देते हैं यहाँ पे अगल बगल में? लगातार ये आप आज दूसरी आंगनवाड़ी केंद्र पर आए हैं, यहाँ पर क्या पाया आपने और आपके जो औचक निरीक्षण कर रहे हैं, क्या मोटो है आपका आंगनवाड़ी केंद्र पर, क्या कुछ चल रहा है? पूरे प्रखंड में मतलब सबसे ज्यादा यदि किसी विभाग में लूट खसोट हो रहा है तो आंगनबाड़ी केंद्र है। कैसे सर? इस प्रकार से देखिए, मुंह पे कोई नहीं बोलने के लिए तैयार है, कोई मतलब सेविका सहिका नहीं तैयार है, लेकिन इन लोगों से बाय जबरन जबरदस्ती आप पोषण आहार बांट रहे हैं, गर्भवती महिला को क्या दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। इन लोगों से हर एक केंद्र पे 4,000-5,000 वसूली सुपरवाइजर करती है, सुपरवाइजर पूरे प्रखंड से वसूली करके सी डी पी ओ तक पहुँचाती है। सुपरवाइजर जो सर आप आरोप लगा रहे हैं वसूली करता है, इसके आपके पास साक्ष्य कोई है? साक्ष्य है, साक्ष्य हम दिखाएंगे आप लोगों को, गवाह है, साक्ष्य भी है। और इस पर रोकथाम कैसे लगेगा? रोकथाम यही सब मतलब जांच पड़ताल करके हम लोग एक प्रक्रिया के तहत हम लोग जाएंगे जिलाधिकारी डीएम साहब से मिलेंगे, बताएंगे हमारे प्रखंड में बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है आंगनबाड़ी केंद्र में, क्योंकि है क्या गरीब के बच्चे के लिए सब चीज आता है, लेकिन यहाँ पे किसी बच्चे को कुछ नहीं मिलता है, न समय पे भोजन वगैरह, नाश्ता पानी जो भी, और भी बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी चीजें हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, चीजें आती है गर्भवती महिला के लिए, फल फ्रूट अंडा साग सब्जी सब चीज है, लेकिन किसी गर्भवती महिला से यदि हम लोग पूछेंगे बाहर तो बोलेगा नहीं आज तक हम लोगों को ऐसा कुछ मिला नहीं है, ये सब चला जाता है ब्लॉक में जो सी डी पी ओ मैडम है सुपरवाइजर हो, जैसा कि आप कह रहे हैं। जी जी, प्रखंड प्रमुख अनिल पासवान साहब औचक निरीक्षण पर आंगनवाड़ी केंद्रों के सनहौला प्रखंड जो कि भागलपुर जिले का एक प्रखंड है, हर एक केंद्र पर जा जाकर क्या कुछ चल रहा है आंगनवाड़ी केंद्र में, एक बात निकलकर सामने आई कि यहां पर जो सुपरवाइजर आते हैं वो चेक के लिए औचक निरीक्षण के लिए, वो लोग सेविका और सहायिका से पैसे
का आरोप लगा रहे प्रखंड प्रमुख साहब, और वो पैसे वसूली में सीडीपीओ मैडम का भी की भी संलिप्तता है ना मैं सर जी हमने लगा रहे हैं जहाँ जिस केंद्र पे जाते मीडिया के सामने वीडियो के सामने नहीं बोलने के लिए तैयार है लेकिन चीजें चल रही है सब सब फोन कर कर कहते हैं प्रमुख साहब बहुत ज्यादा हो रहा है आप ध्यान नहीं देते हैं प्रखंड पे नहीं देखते हैं इसलिए हम लोग चले हैं थोड़ा सा ग्रामीण से भी पूछताछ करेंगे बिल्कुल 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 इन लोगों का डर ये है कि आज हम अभी मान लीजिए कैमरा के सामने आकर बोल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी परेशान करेगी भोजन पास नहीं करेगी बच्चे मान लीजिए 40 के 40 भी उपलब्ध रहेंगे तो 20 बच्चे का भोजन बनाएगी इस सब कारण से लोग सामने नहीं आना चाहते।